Hello guys, welcome back to our channel, Mr. and Mrs. Pandit. So today we are going to give our reaction on Bro Teacher. Yes, so we have Pawan Kalyan sir here in this movie. He is the main attraction of this movie, Bro. And yes, the movie is written and directed by Samuthirakani. Okay, produced by T.G. Vishwa Prasad. Okay. And the music director is Tamanis. Okay. Tamanis, you know, the music unka jabardast hota hai. Jabardast hota hai. And main dekhi hu ki Pawan Kalyan sir ka ek alag hi ek, you know, like spark rehta hai. And uske saath agar Tamanis sir ka music hai, to kya hi kehna. Right? To shuru karte hai Bro teaser. We will be seeing and after that we will be talking more about that. But usse pehle, if you are new to this channel, please do subscribe. And also please click on the notification bell. Yes, also please follow us on Instagram. Yeah, तो चलो शुरू करते हैं. Yes. ये इंटी दी इंतज़ार कर रहा हूँ दी. Power ले दा. अरे. ये वंडी. ये वर ले रहा. Hello, master. गुरु करो. Your eye is always speaking. Welcome, Mark. Welcome. Kalam, me gediyarani kandani Indrajala. సినిమాలు ఎక్కువ చూస్తావంటారు నువ్వు. एक भाई बहुत सीरियस है और एक भाई बहुत ज्यादा मतलब लाइफ में उतना कुछ नहीं सोचते हैं, राइट? लाइक द वे इट्स लाइक फ्लोइंग. सो दिस मूवी इज कमिंग इन थिएटर्स ऑन 20th July are coming on in the theaters. And of course yeah, it's a family drama. देख के जो लगा दो भाइयों का बीच का यू नो केमिस्ट्री यहाँ पे शो करेगा. वन ब्रदर आई थिंक ही इज वेरी सीरियस अबाउट द लाइफ एंड ही इज लाइक इज ही एक्चुअली मींस प्लेइंग एज एन एक्चुअल ब्रदर और जस्ट लाइक इन अ फ्रेंड एंड ऑल काइंड वी कॉल एज ब्रो. Right. नहीं मुझे लग रहा है एक्चुअल ब्रदर है. okay. क्योंकि एक ही साथ कार शेयर कर रहा है घर पे भी कुछ बोल रहा था राइट तो पता नहीं लेकिन ये मुझे लग रहा है कि बहुत इंटरेस्टिंग उतना ज्यादा यूनिक स्टोरी लाइन नहीं रहेगा बट डेफिनेटली इसका मतलब एक स्पार्क है. ऐसा टाइप का मूवी देखने में ना बहुत मजा आता है बिकॉज फैमिली के साथ बैठ के बहुत कुछ यू नो रिलेटेबल होता है. पवन कल्याण सर हिज स्पार्क्स एंड ऑल एंड हिज टॉक्स ही टॉक्स विद हिज आईज इटसेल्फ राइट हिज हैंड्स एंड ऑल द मूवमेंट in each and every movie if you see that his action is on top marvelous class, right? Actually he is the one of the super you know topmost actors. One of the finest actors you can say and also wo jaise serious character bhi kar sakte hai waise chulbuli kind of character bhi kar sakte hai aisa bahut kam actors kar sakte hai ke you know who has a image that right. he will do always the serious character cannot kind of, do different kind of character but he is such a flavorful character I must say. एंड ऐसा मतलब ये जो ब्रो का ये दिखा थोड़ा बहुत ये थोड़ा बहुत मुझे झलक वो जो हम देखे थे ना एक था ना वो जो सलमान खान का मूवी था ना हेलो ब्रदर क्या था हेलो ब्रदर वो जो उसमें सलमान खान बहुत ओल्ड मतलब उसमें भी दो भाई का था ना हाँ तो वो थोड़ा सा झलक ऐसा लगा. आई एम नॉट टेलिंग दैट वो कॉपी है ये सब आई एम जस्ट टेलिंग क्योंकि उसमें भी दो भाइयों के बीच का केमिस्ट्री दिखा था यहाँ पे भी वैसा है बट शायद इसमें बहुत धमाका क्योंकि फुल टपोरी लुक है यहाँ पे ओम का सिंबल लेके वो घूम रहे हैं तो शायद ही इज लाइक बेपरवाह. एग्जैक्टली इट डजंट केयर अबाउट एनीथिंग राउडी और राउडी विलेज गाय हु इज कैरिंग दैट गमछा व्हाट यू कॉल करेक्ट पता नहीं उसे गमछा गमछा ही बोलते हैं राइट तो वो कैरी कर करके एक मतलब कहीं भी एंट्री मार सकता
बट थोड़ा मजेदार होगा एक्चुअली. यस, एंड पवन कल्याण सर का तो मतलब वो स्क्रीन में आते ही सीटी पे सीटी लगता है एंड ही इज सच अ टैलेंटेड एक्टर. सो आप समझ सकते हैं कि इस मूवी में और किसी चीज की जरूरत नहीं है. एंड तमन एस सर का म्यूजिक है तो बीजीएम भी बहुत ज्यादा पावरफुल होगा. एंड मुझे लग रहा है वन थिंग आई जस्ट वॉन्ट टू एड, यहाँ पे मतलब थोड़ा लाइक ट्विस्टिंग काइंड ऑफ सिचुएशन भी आ सकता है. राइट, अभी दिखा रहा है कि इनका दोनों का कैरेक्टर पूरा डिफरेंट है, बट एट द एंड ऑफ द मूवी यू माइट से सी दैट ओके कैरेक्टर्स पूरा चेंज हो गया. राइट, लाइक द दिस इज द ब्यूटी ऑफ पवन कल्याण सर का मूवी. बहुत सारा ट्विस्ट आता रहता है स्टोरीज में ऐसा. सो आई एम नॉट यू नो वी आर जस्ट गेसिंग बाय सीइंग ओनली दिस स्मॉल टीजर, बट वी आर वेटिंग टू सी द ट्रेलर. बहुत कुछ और भी आने वाला है ट्रेलर में एंड इवन द सॉन्ग, आइटम सॉन्ग तो ऑफ कोर्स होने वाला है. आइटम सॉन्ग के बिना तो एक तो आइटम सॉन्ग मस्ट है. यस, एंड कोई लेडी एंट्री नहीं हुआ है, वो थोड़ा सा मुझे लगा कि लेडी एंट्री होता तो बहुत अच्छा लगता. टीजर में ही दिख गया तो फिर ट्रेलर में क्या देखोगे. अभी एक महीना भी बचा नहीं है, 28 जुलाई को मूवी रिलीज होने वाली है, तो उससे पहले ही विद इन दिस मंथ ओनली बैक टू बैक वीडियो सॉन्ग्स, लिरिकल सॉन्ग्स, देन ट्रेलर, एवरीथिंग विल बी रिलीज्ड एंड हम सब पे रिएक्शन देंगे. एंड यस, फॉर अस इट्स अ 10/10 परफॉर्मेंस एज यूजुअल बिकॉज इट इज हैविंग सच अ पावरफुल एंट्री ऑफ पवन कल्याण सर एंड ऑल्सो एज वेल एज देयर इज अ great cinema angle kind of लग रहा था. हाँ वही बोल रही हूँ, angle जो भी था ना, director angle या क्या कहते हैं उस चीज को, it was very you know tempting to the eyes actually. So already it's a 10/10 and definitely we'll be waiting to see the trailer and we'll be giving the reaction on that. And अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं please do subscribe and also click on the like button to like this video, share this with your friends and family. See you in the next video. Till then, bye.